हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। एक बार फिर से एक नई वीडियो, एक नई जगह। इस वक्त मैं नए स्टेट में भी हूँ, कोलकाता में नहीं हूँ और बाहर हूँ। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं हूँ इस वक्त बिहार पटना, और बिहार पटना से मैं अपने गांव आया था। तो फ़िलहाल मैं निकला हुआ, कहीं पर निकला हूँ आज एक ब्लॉगिंग करने बिहार में। मैं सोचा बिहार का एक आप लोगों को ब्लॉग आप लोगों के सामने एक दूँ, क्योंकि मैं आया यहाँ पे तो मेरा आए हुए 2 दिन हुआ फ़िलहाल। तो अभी मैं सोचा कि एक ब्लॉग करूँ यहाँ पे बिहार को, तो मैं सोचा चलो क्यों ना एक वीडियो यहाँ पे, एक दो वीडियो बिहार का आप लोगों को बताऊँ, दिखाऊँ। तो मैं सोचा चलो आज मैं यहाँ पे आया हूँ। एक जगह है जो आप लोग बहुत जानते होंगे, बहुत फेमस जगह है, जगह है मुजफ्फरपुर बिहार में, काफ़ी फेमस जगह है, पटना के बाद काफ़ी फेमस जगह है मुजफ्फरपुर। तो मैं अभी आया हूँ मुजफ्फरपुर पे। मुजफ्फरपुर ये जगह है, और इस जगह में मैं एक ख़ास जगह है जहाँ पे मैं अभी आया हूँ और मैं हूँ इस वक्त वहाँ मौजूद, जिसका नाम है सरकाही शरीफ, दादा तेग अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ है यहाँ पे। तो मैं कैसे कैसे आया हूँ, ट्रैवल किया हूँ, मैं आप लोगों को बताता हूँ किस तरह से मैंने ट्रैवल किया है यहाँ पर, और अभी तक मुझे कितना खर्च हुए वहाँ से आने में। पटना हाजीपुर से समझ लो, हाजीपुर से मैं आया हूँ। तो हाजीपुर से यहाँ आते आते मुझे कितना टाइम लगा है, कैसे कैसे आया हूँ मैं, किस तरह से ट्रैवल किया हूँ। और हाजीपुर से भी नहीं, एक जगह है जिसका नाम है महुआ, वहाँ से मैंने कैसे ट्रैवल किया। तो मैं आप लोगों को पहले मज़ार का टूर करवाता हूँ, फिर बताता हूँ किस तरह से ट्रैवल करना है आपको। तो भाई लोग, ये है दादा तेग अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार शरीफ, तेगिया सिलसिला, काफ़ी दूर में फैला हुआ, काफ़ी दूर। अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त, यहाँ पे उर्स भी होता है। तो ये मदरसा है, मदरसा ये क्या है, मरकज़ी मदरसा आलिमिया अनवारुल उलूम सरकाही शरीफ। ये जगह, पूरा जगह फेमस है सरकाही शरीफ से, ये मज़ार शरीफ है। बहुत भारी यहाँ पे उर्स लगता है, मेला लगता है बहुत तगड़ा वाला। और ये फेबररी मंथ में, मुझे जहाँ तक लग रहा है, मैं 10 साल बाद यहाँ पे आ रहा हूँ, ये फेबररी मंथ में उर्स शायद यहाँ पे लगता है, फेबररी मंथ या अभी मार्च के स्टार्टिंग में या फेबररी का एंड में, ऐसे मिडिल में फेबररी में, तो ऐसा ही है। क्योंकि 11 दिन कमता रहता है ना कैलेंडर के, उर्दू कैलेंडर के हिसाब से, तो वही चीज़ है। और ये काफ़ी माशाल्लाह पहले से बहुत बेहतरीन बना दिया गया है, चारों तरफ से बाउंड्री किया गया है। जब 10 साल पहले मैं आया था तो ये बाउंड्री ये सब नहीं था, ये गेट शायद ये नहीं था, मुझे याद नहीं है, ये गेट इतना बेहतरीन ये सब जो बनाया गया। और वो ठीक गेट के पीछे वो जो पंडाल है लाल पीला, उसके पास में ये एक मस्जिद बनाया गया, तो वो मस्जिद है। पहले बहुत ही यहाँ पर प्रॉब्लम होता था नमाज़ के लिए, लोग यहाँ मदरसा में इसको इस्तेमाल किया करते थे, मतलब यहाँ पर नमाज़ पढ़ते थे लोग। तो और यहाँ पे क्या होता है ना, ये जो खाली मैदान है, इस मैदान में, खाली मैदान में ये किया जाता था, मेला लगता था, लोग पंडाल किया जाता था, लोग आके यहाँ पे बैठते थे। तो वो सारा चीज़ है, ये पूरा आप नज़ारा देख रहे हो, पूरा व्यू देख रहे हो मज़ार शरीफ का, मदरसा का, बहुत बेहतरीन, बहुत सुकून। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, बहुत ज़बरदस्त। अब मैं कैसे आया हूँ यहाँ पे, महुआ से ट्रैवल करके मुजफ्फरपुर, वैशाली से मुजफ्फरपुर किस तरह से आया हूँ मैं बताता हूँ आप लोगों को। तो हुआ ऐसा कि मुझे मालूम नहीं था, मैं निकला, ऑटो पकड़ा अपने घर के पास से, महुआ से ऑटो पकड़ा मुजफ्फरपुर का, जो जहाँ पे ये मिलता है बस, वहाँ आया, वहाँ से बस लिया मुझसे 100 रुपये मुजफ्फरपुर के लिए। मुझे नहीं मालूम था कि, पहले आया था मैं तो प्राइवेट सब बुक करके आया था, वो रिज़र्व करके, तो बहुत लोग साथ में आए थे 10 साल पहले, तो वो दूसरी बात है, मुझे, मैं डायरेक्टली कभी आया नहीं था ऐसे। तो वहाँ से क्या किया उन लोगों ने, थोड़ा सा स्कैम हुआ है हम लोगों के साथ, स्कैम ये हुआ ना, स्कैम बोल सकते हो, क्योंकि 45 किलोमीटर्स है वहाँ से, महुआ जो जगह है वैशाली, वहाँ से 45 किलोमीटर्स है। वहाँ से आने में मुजफ्फरपुर मैं यहाँ उतरा, कच्ची पक्की एक जगह है, कच्ची पक्की उतरा, तो वहाँ तक आते आते हम लोगों से लिया उसने 100 रुपये पर हेड टिकट। मैं तो अकेले आया हूँ, बाकी लोग जो साथ में आए उनके बाद मैं कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, मतलब सभी लोगों से, पैसेंजर से। तो कहने का मतलब ये है कि 100 रुपया वो कच्ची पक्की उतरा, कच्ची पक्की उतरने के बाद वहाँ से मैं आया स्टेशन टोटो पकड़ के, जो वो लिया मुझसे 10 रुपये,
₹10 वहाँ से लिया। उसके बाद स्टेशन आने के बाद फिर मुझे चेंज करना पड़ा बरैया, बरैया चौक है या बरैया मार्केट है, वहाँ आना पड़ा मुझे। बरैया से फिर वहाँ से मुझे चेंज करना पड़ा कांटी के लिए, कांटी, कांटी एक जगह है, तो वहाँ कांटी आकर कांटी आना पड़ा मुझे। कांटी के लिए मुझे ₹2500 लगे वहाँ से, कांटी आया। कांटी से फिर मैंने वहाँ से चेंज किया तो सिरकाही शरीफ जो मार्केट है, चौक है, वहाँ आने के लिए। तो सिरकाही शरीफ जब मैं वहाँ आया तो यहाँ आके मुझे वहाँ से कितने लगे, ₹20 लगे, ₹20। अब आप सिरकाही आओगे, सिरकाही जिस जगह पे आपको बाज़ार और मार्केट चौक पे जिस जगह पे आपको उतारेगा यहाँ पे ऑटो टोटो जो भी हो, तो वहाँ से क्या करना है आपको, वहाँ से आपको या फिर रिज़र्व करके आना पड़ेगा अंदर, या फिर आपका पर्सनल कोई मतलब प्राइवेट कोई अपना बाइक हो, फोर व्हीलर हो, वो लेके आप आ सकते हो। तो ये मामला है, क्योंकि वहाँ से अंदर जो मज़ार शरीफ जाने का जो रास्ता है, यहाँ आने का जो रास्ता है मज़ार शरीफ में, उसमें ना कोई बस चलता है, ना टोटो, ना ऑटो, और ना ही कोई रिक्शा वगैरह कुछ मिलेगा आपको। तो वहाँ से या फिर आपको पैदल आना पड़ेगा, या फिर अपना जो भी आपका है, आप जिससे आए हो, अपना गाड़ी लेकर, बाइक लेकर, आप उसे ट्रैवल कर सकते हो अंदर। अंदर आने के लिए मैंने कम से कम आपको पैदल अगर चल के आते हो तो 25 मिनट लगेंगे 25 मिनट। तो ट्रैवल करने में मेरा आधा टाइम निकल गया यार, सिर्फ कच्ची पक्की छोड़ने में मुझे कम से कम 1.5 घंटा लिया बस। फिर वहाँ से मुझे पता करने में टाइम लगा कहाँ कौन से स्टेशन जाना है, स्टेशन की तरफ मैं पूछ के आया हूँ, मैं ट्रैवल किया पूछ कर, मुझे नहीं मालूम था एग्जैक्ट कैसे ट्रैवल करना है। तो ये चीज़ हुआ मामला मेरे साथ। आते आते ₹300 अब तक नहीं, ₹200 ट्रैवल में मेरे पूरे ₹200 लगे यहाँ तक पहुँचते। उसके बाद अभी फिर यहाँ से मुझे रिटर्न जाना है, तो मैं सोचा क्यों ना आप लोगों को एक ब्लॉग का, सिरकाही शरीफ का एक ब्लॉग कर दूँ, आप लोगों को बताऊँ, गाइड कर दूँ कि किस तरह से आना है। तो अगर इंफॉर्मेटिव वीडियो लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और इंफॉर्मेटिव इसलिए बोल रहा हूँ ना क्योंकि मैंने जो एक्सपीरियंस किया ट्रैवल करते हुए, बहुत गंदा वाला। मतलब आप अगर आपके पास ट्रैवल करने के लिए अपना कुछ पर्सनल कोई गाड़ी या कुछ नहीं है तो फिर आप बहुत मुश्किल है यहाँ पे पूरे बिहार में आपके पास अगर प्राइवेट कुछ पर्सनल कुछ नहीं है आपके पास, तो आप फंसोगे बहुत बुरी तरीक़े से, या फिर आप पैसे खर्च करो, आपके पास पैसे है पैसे खर्च करो। तो यहाँ से अभी जाने में मुझे अभी जितना जो भी फेयर लगेगा, जैसा भी लगेगा, मुझे ट्रैवल करना है, और देखता हूँ मैं दूसरा कोई रूट यहाँ से जाऊँगा, क्योंकि मैं उसी रूट से वापस नहीं जाने वाला, क्योंकि वो ₹100 फिजूल लगेंगे। फिर हो सकता है ₹100 में मैं यहाँ से कोई दूसरा रूट में पता करूँगा, वहाँ से मैं निकलूँगा। कोई एक जगह है यहाँ पे मुझे वहाँ से मुझे डायरेक्ट बस महुआ के लिए मिल जाएगा, जो ₹60-70 लेंगे यहाँ से। तो बस वही है फ़िलहाल, तो मैं मज़ार में हूँ और अभी यहाँ से निकल रहा हूँ। 10 साल बाद यहाँ पे हाजिरी दिया मैंने, यहाँ पे आया, और शायद ज़्यादा ही 10 साल से ज़्यादा ही हो रहा है, ऐसा ही कुछ अराउंड आसपास। तो फ़िलहाल चलते हैं फिर, अब यहाँ से निकलना है हम लोगों को, निकलना है मतलब नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। कहाँ पे मिलता हूँ मैं, मुझे नहीं मालूम है, हो सकता है मैं बिहार में ही कोई एक ब्लॉग करूँ यहाँ पे कोई दूसरे जगह पे, हो सकता है मैं महुआ आप लोगों को दिखाऊँ, या फिर अपने एरिया दिखाऊँ जहाँ पे कहाँ कहाँ मेरा कचहरी है, थाना है, पोस्ट ऑफिस है, और भी बाकी कॉरपोरेशन वाला जो ऑफिस सब होता है ना, कहाँ पे क्या क्या, रेड बिल्डिंग जो कोलकाता में जो कॉरपोरेशन बिल्डिंग है वो सब, तो मार्केट वगैरह वो सब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, हो सकता है नेक्स्ट ब्लॉग में, या फिर हो सकता है कहीं और भी मैं जाऊँ, किसी वापस से मैं कोलकाता जाऊँ या फिर कहीं और। तो प्लीज़ भाई को सपोर्ट कीजिए, और मैं बहुत जल्दी में हूँ क्योंकि यहाँ पे अभी 4 बज चुका है, और यहाँ से मुझे अभी ट्रैवल करना है, अभी 2 घंटे का सफ़र है, 2 घंटे ट्रैवल करना मुझे, इसी वजह से भाई को सपोर्ट कीजिए, मैं निकलने वाला हूँ यहाँ से अब, और दुआ में याद रखिए भाई लोग। इतना गज़ब का ये रास्ता है सिरकाही जाने वाला रास्ता, इतना खूबसूरत रास्ता है, बोथ साइड जंगल है रोड के, और जंगल मतलब वाकई में जंगल। अगर शाम सात बजे अगर होता है शाम, चाहे शहर में हो या गांव में, तो इस जंगल में 4 बजे ही शाम हो जाएगा, ऐसा अंधेरा हो जाएगा, ना स्ट्रीट लाइट है ना कुछ, शाम में आना रिस्की हो जाता है ये। अगर आप शाम में आते हो, शाम से मतलब ये कि बहुत शाम, 7-8 बजे रात, तो काफ़ी रिस्की हो जाएगा ये, चारों तरफ से
सिर्फ जंगल है, कुछ नहीं है, कोई नहीं मिलेंगे यहाँ पे। तो यहाँ से एक शॉर्टकट रास्ता है जो बाहर निकलने का है, सरकाही चौक पे चलते हैं। मैं वापस से जा रहा हूँ अभी, तो चलते हैं। फ़िलहाल अभी रास्ते ही में हूँ। आम का बगीचा, बहुत कुछ है देखने लायक। चलो फिर मिलते हैं।